और तीसरा सबका मूल विचारों की शक्ति है। अपने विचारों को संतुलित रखिए, विचारों को संयमित रखिए, आवारा कुत्ते की तरह अपने विचारों को मत भटकने दीजिए। आप ध्यान देंगे कभी कि विचार कुछ भी सोच रहा है और हमने उसे छूट दी हुई है, विचार हमारे हैं या हम उसके हैं? आप विचार करना कि विचार हमारे हैं या हम उसके हैं। वो जैसा चाहता है हमें चलाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली हुए कि विचारों का भवंडर। इसलिए विचारों को संयमित करिए, और इसके लिए तरीका एक ही है कि अच्छे विचारों को मन में प्रवेश दीजिए, बुरे विचार अपने आप भाग जाएंगे। अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। घृणा का अस्तित्व नहीं होता, प्रेम के अभाव का नाम घृणा है। बिखराव का अस्तित्व नहीं होता, संगठन का अभाव बिखराव है। लोभ का अस्तित्व नहीं होता, त्याग का अभाव है। ठीक है, वैसे ही बुराइयों का अस्तित्व नहीं होता, अच्छाइयों का अभाव है। इसलिए व्यक्तित्व में अच्छाइयां भरिए, अपने आप बुराइयां गायब। बत्ती जलाइए, अपने आप अंधेरा था ही नहीं, बुराइयां थी ही नहीं। स्वाध्याय, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट मतलब टारगेट, लक्ष्य, गोल। स्वाध्याय करने से आपका गोल प्राप्त होता है। और तरीका क्या है? जो आपने रोल मॉडल बनाया है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे संबंधित पुस्तकें पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। महापुरुषों की जीवन पढ़िए। स्वाध्याय करना ऐसे ही है जैसे कोई योगी सूक्ष्म लोक का भ्रमण करता है। जैसे ही हम जिन चीजों को पढ़ते हैं उसी में चले जाते हैं, और जो हमारे संस्कार है, इसके लिए कहा गया फर्स्ट रिपीटेशन देन हैबिट, इट्स कॉल्ड संस्कार। जो हम रिपीट करते हैं बार बार, वही हमारी आदत बन जाती है, और आदतें अनकॉन्शियस में जाती है, तो वही व्यक्तित्व हमारा बन जाता है, हमारा वही व्यवहार होने लगता है। विचारों से ही मन बनता है। विचार ही हमारे सुख दुख का कारण है, विचार ही हमारे सफलता विफलता का कारण है। इसलिए गलत विचार कभी भी किसी कीमत पे ना आने दे। यदि शत्रु आपके घर में घुसे, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। पुलिस बुलाएंगे या खुद लड़ जाएंगे? इन शत्रुओं को क्यों खुली छूट दी है? ये घुसते चले जाते हैं और हमें खोखला बनाते रहते हैं। संसार के सभी कामों के लिए हमारे पास समय है, और जो हमें चला रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई समय नहीं। किसी ने कहा कि अगर सुबह फुर्सत न मिले तो शाम को जप कर ले। हमने कहा संसार की कौन सा ऐसा काम इतना कीमती है जिसके लिए इसे लेट करना पड़े? सारे जीवन के लिए। और ये उपासना, पूजा पाठ, भक्ति भजन, ये खुराक है। आप भोजन किए ने बिना एक टाइम नहीं रह पाते, तो बिना उपासना की आप कैसे जिंदगी भर रह लेते हैं? जिंदगी में सूनापन, सूखापन, रूखापन, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति, ये उपासना का अभाव है। और उपासना का मतलब है जैसे एक बल्ब है, जनरेटर से वायर लगा हुआ है, और ये न जले, इसका फिलामेंट भी ठीक है, उधर जनरेटर भी चल रहा है। निश्चित किसी ने वायर काट दिया बीच से। उपासना नहीं करना मतलब ईश्वर और जीव का संबंध टूट गया। हम ऊर्जा लेने के लिए उपासना करते हैं, हम उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए उपासना करते हैं। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, आप चापलूस पसंद है? चापलूसी पसंद है, आपकी स्तुति ना करें तो आप कुछ नहीं होते। तो भगवान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, तो फिर आपकी पूजा हम क्यों करें, उपासना क्यों करें, जरूरत क्या है? बोले बेटे, मैं जानता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं जानता हूं कि हर क्षण मैं तेरे साथ हूं। क्या तुम्हें भी इस बात का ख्याल है कि मैं तेरे साथ हूं? मेले में बेटा बाप के साथ जाता है, बाप कंधे पे लेके जाता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है,
जब तक पिता दिखाई देता है बेटा खुश रहता है, और आंखों से ओझल हुआ वो रोने लगता है, और पिताजी देख रहे हैं कि जहां तक फिर मैं पकड़ लूंगा, सीमा में है अभी। तो ये जो रोना है ये स्तुति है, ये जो चिल्लाना है, क्योंकि पिताजी छोड़ दिए हैं कि ठीक है संरक्षण में तुम हमारे, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जब वो रोता कहते अच्छा चलो पकड़ के ही रहते हैं तुमको, गोदी में ही लेके रहते हैं, सिर्फ इस एहसास के लिए कि ईश्वर हमारे साथ है, ये वो जानता है। लेकिन हमें भी सतत स्मरण रहे कि हम ईश्वर के साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है, तो न कभी तकलीफ होगी, परिस्थितियां बिगड़ेंगी बनेंगी, उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, लेकिन दुख कभी नहीं होगा। एक ही फार्मूला अपना लेना, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी, मैं अकेले नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इतना केवल स्मरण रखो दिन में कई बार। फिर थोड़े दिन के बाद एक आवाज आएगी, जब तकलीफ में रहोगे तो पीछे से या अंदर से एक आवाज आएगी, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, फिर क्यों तकलीफ में हो। ये याद रखना। और आज जो बताना था कि जिंदगी के नाव में पानी मत घुसने दीजिए, जीवन का अवसर मत खोइए, इसके छिद्रों को बंद करिए, इस आपकी साधना से सिद्धि मिलेगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, और आप दूसरों को सुख देने वाले हो जाएंगे, आप दूसरों के सहारे बन जाएंगे, आपको किसी से सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। समय को पहचान लेना, अवसर को पहचान लेना, इंद्रियों का संयम करना और अर्थ की महिमा को ठीक से समझना, विचारों पर नियंत्रण रखना।